गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोग के लिए एकदम बेसिक चीज़ ला रहा हूँ केमिस्ट्री का, जो जनरली हर कोई छोड़ देते हैं। एकदम बेसिक से अब मैं बेसिक केमिस्ट्री का कंटेंट आप लोग के लिए दे रहा हूँ वीडियो लेक्चर में, तो आप लोग केयरफुली देखेंगे। ये बेसिक चीज़ स्टार्टिंग में बहुत जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए, हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री से। तो बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट। केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन, द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज गोज इट अंडरगोज एंड एनर्जी चेंजेज दैट एकॉम्पनी दी प्रोसेस। तो केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस है, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे मैटर के बारे में, फिजिकल और मैटर का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, और इसका कंपोजिशन के बारे में, फिजिकल चेंज कैसे होता है उसके बारे में, जैसे लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और एनर्जी चेंज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग केमिस्ट्री। तो मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो है, द मेन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज, मेन ब्रांच जो है ये है फर्स्ट फिजिकल, फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर फोर्थ है एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो अभी तो पूरा डिस्क्रिप्टिव नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग थोड़ा थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हम लोग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये सब सॉलिड मतलब फिजिकली जहाँ चेंज होगा वहाँ हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। मेटलर्जी पढ़ेंगे हम लोग, मेटल, नॉन मेटल और सेमी मेटल के बारे में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, और किसी कंपाउंड में किसका कितना परसेंटेज है ये सब स्टडी किया जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। तो ये हुआ बेसिक चीज़ कि केमिस्ट्री क्या है। फिजिकल साइंस का वह ब्रांच है जिसमें मैटर के बारे में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, मैटर के फिजिकल और मैटर के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में, मैटर का कंपोजिशन क्या है इसके बारे में, फिजिकल चेंज कैसे होता है मैटर में इसके बारे में, उसमें एनर्जी चेंज कैसे होता है इसके बारे में हम लोग केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसका मेन ब्रांच जो है यही चार ब्रांच है। फिर इस ब्रांच से बहुत ब्रांच निकलता है, एक्स्ट्रा ब्रांच भी है, तो हम लोग पढ़ेंगे अदर। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे सम अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांच, सम अदर स्पेशलाइज्ड ब्रांच और स्पेशलाइज्ड ब्रांच क्या सब है। जैसे ऑर्गेनिक में जैसे फर्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री,
इसमें सेकेंड पढ़ना है मेडिसिनल केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री। इसमें बायोलॉजिकल पार्ट वाला पढ़ेंगे, जैसे कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए, ये सब बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कल्चर केमिस्ट्री। फिर पढ़ेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का पढ़ाएंगे। NIT जमशेदपुर में होता है, IIT मुंबई में होता है, जो जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, ये सब सरफेस फेनोमेना है, एडजॉर्प्शन सरफेस फेनोमेना है, ये सब हम लोग पढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। फिफ्थ नंबर है पॉलीमर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री। ये आजकल बहुत मेन ब्रांच हो गया है पॉलीमर टेक्नोलॉजी, आपको हर जगह BIT में सब मिल जाएगा, IITs में मिल जाएगा, IIT खड़गपुर में है, ये सब ब्रांच वहाँ पढ़ाया जाता है। ये उसका स्पेशलाइज, ये सब जितना देख रहे हैं हम लोग, ये सब पढ़ेंगे हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, ये सब ब्रांच वहाँ पढ़ाया जाएगा। बेसिक चीज़ जो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, कुछ एनालिटिकल, ये सब हम लोग पढ़ेंगे इधर MSc BSc में। लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज सब में यही टेक्निक, उससे रिलेटेड, टेक्निक से रिलेटेड जो होता है केमिस्ट्री, उसके बारे में पढ़ते हैं। सिक्स फोर हो गया, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस केमिस्ट्री से पढ़ा हुआ स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जियो केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, माइन से जो निकालते हैं हम लोग कोयला, कोल, ये सब जो निकालते हैं मिनरल्स, ये सब के बारे में जियो केमिस्ट्री के अंदर स्टडी किया जाता है। तो ये अदर ब्रांच हुआ, मेन ब्रांच जो है वो फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और एनालिटिकल केमिस्ट्री है, उसके बाद उसी से रिलेटेड सब यहाँ सब में यूज होगा। तो ये सब स्पेशलाइज ब्रांच है, ETC और भी ब्रांच है, तो ये सब आपको स्टडी करना है। तो ये सब अभी नहीं स्टडी करेंगे हम लोग, जिसे पॉलीमर चैप्टर पढ़ना है 12th में भी, और इसमें से आपको बायो केमिस्ट्री पढ़ना है थोड़ा, और इसमें से कोई नहीं पढ़ना है अभी तत्काल, बाद में ये सब इंजीनियरिंग में जाएंगे, मेडिकल में जाएंगे, तो ये सब ब्रांच आपको ज़रूरत पड़ेगा पढ़ने का। लेकिन बेसिक नॉलेज सबका मिल जाएगा आपको, फिजिकल के अंदर, इनऑर्गेनिक के अंदर, ऑर्गेनिक के अंदर, सबका बेसिक आइडिया आपको अभी ही मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे मैटर के बारे में, मैटर सब्सटेंस, उसी को द्रव्य बोलते हैं हिंदी में, पदार्थ बोलते हैं। तब हम लोग पढ़ेंगे मैटर, मैटर सब्सटेंस, इसी को हिंदी में बोलेंगे पदार्थ। तो मैटर क्या है? एनीथिंग, एनीथिंग व्हिच ऑक्युपाई
विच अकुपाय अकुपाय सम वॉल्यूम एंड मास विच अकुपाय सम स्पेस विच एनीथिंग विच अकुपाय सम वॉल्यूम मास एंड सम स्पेस इज कॉल्ड मैटर कोई भी चीज ले लेंगे एग्जाम्पल में ले लेते हैं जैसे पेन यूज कर रहे थे पेन डस्टर टेबल सॉल्यूशन गैस एटीसी कुछ भी लेते हैं हम लोग तो वो क्या है पेन है तो कुछ स्पेस है कुछ मास है कुछ वॉल्यूम इसने छेका डस्टर है तो वही है टेबल है तो वही है कि कुछ वॉल्यूम होता है मास होता है और कुछ स्पेस छेकता है सॉल्यूशन भी है तो वही है गैस भी है तो वही है तो ये सब आपका एग्जांपल हुआ मैटर का। मैटर को हम लोग डिवाइड करते हैं मैटर डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स मैटर को डिवाइड करेंगे हम लोग दो पार्ट में क्या क्या चीज में फिजिकल इसको हम लोग करते हैं फिजिकल फिजिकल क्लासिफिकेशन फिजिकली कैसे अलग करेंगे दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग इसका सिंपल पढ़ेंगे सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में इसके इसमें पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं दो तरह से एक मिक्सचर होता है एक होता है प्योर सब्सटेंस। तो फिजिकल मेथड से हम लोग अलग कर लेते हैं मिक्सचर से ये फिजिकल मेथड से हम लोग मिक्सचर को प्योर सब्सटेंस में अलग कर सकते हैं। मिक्सर का दो पार्ट पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे मिक्सर का दो पार्ट होमोजीनियस मिक्सर और पढ़ेंगे हेटेरोजीनियस मिक्सर। प्योर सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं दो पार्ट में प्योर सब्सटेंस का पार्ट होता है कंपाउंड यानी यौगिक और एलिमेंट। कंपाउंड से एलिमेंट ऑब्टेंड करने के लिए हम लोग केमिकल मेथड का यूज करते हैं कंपाउंड को इनिशियली जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया था इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर एलिमेंट का डिवाइड करते हैं एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं
मेटल मेटल नन मेटल और मेटलॉइड में, मेटलॉइड में इसको हम लोग अलग करते हैं। तो ये है मैटर का क्लासिफिकेशन। फिर हम लोग मेटल का अलग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड अलग पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड अलग पढ़ेंगे, मेटल नन मेटल मेटलॉइड के बारे में। मेटलॉइड को ही बोलते हैं हम लोग सेमी मेटल भी, सेमी मेटल, जिसमें मेटल और नन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी होता है उसको सेमी मेटल बोला जाता है। तो मेटल का क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे। एक फिजिकल मेथड से हम लोग अलग करते हैं, एक केमिकल मेथड से। तो फिजिकल मेथड से करते हैं तो उसको बोलते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन, और ये होता है सॉलिड लिक्विड गैस में। फिर अभी पढ़ेंगे हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है मिक्सर से प्योर, मिक्सर और प्योर सब्सटेंस। तो मिक्सर को दो पार्ट में, होमोजीनियस मिक्सर हेट्रोजीनियस मिक्सर में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंस को कंपाउंड और एलिमेंट में अलग करते हैं। कंपाउंड को दो पार्ट में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में करेंगे। एलिमेंट का तीन पार्ट हो जाएगा, मेटल नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के रूप में। ये तीन चीज़ अलग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिजिकल मेथड तो पढ़ना है, सॉलिड लिक्विड गैस हम लोग को 11th में ही पढ़ना है। सॉलिड के बारे में 12th में पढ़ना है, फर्स्ट टॉपिक ये है। लिक्विड सॉल्यूशन और गैस के बारे में अभी पढ़ना है आपको 11th में। तो हम लोग एक एक करके सब चीज़ पढ़ते हैं। तो इसको, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला लेक्चर में इसका पूरा सब डिटेल बताऊंगा। थैंक यू। हम लोग अब पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मैटर को हम लोग डिवाइड किए थे तीन पार्ट में, सॉलिड लिक्विड और गैस। सॉलिड लिक्विड और गैस में हम लोग डिवाइड किए थे। तो सॉलिड किसको कहते हैं? सॉलिड में जो है एटम मोलेकुल आयन, जिस चीज का भी बना हुआ है सॉलिड, इसके बीच इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस, इंटर आयनिक डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होता है। सॉलिड बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि सॉलिड जो है आयनिक सॉलिड भी होता है, मोलिकुलर सॉलिड भी होता है, मेटालिक सॉलिड भी होता है। अगर एटम का बना हुआ है तो सॉलिड पहले समझिए। सॉलिड का क्या होता है? डिफिनिट डिफिनिट मास होता है, डिफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। इसका डिफिनिट मास वॉल्यूम और शेप होता है। क्यों मास? इसका जो है सॉलिड किसको कहते हैं? ये मैटर का पार्ट हुआ, तो सॉलिड किसको कहेंगे? सॉलिड में सॉलिड क्या है? जिसका वॉल्यूम और मास और शेप फिक्स्ड हो, डिफिनिट हो, उसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं। इसके बीच इंटरमोलेकुलर फोर्स बहुत हाई होता है। इसमें इंटर
मोलेकुलर फोर्स, मोलेकुलर फोर्स विल बी वेरी हाई। इंटरमोलेकुलर फोर्स जब ज़्यादा होगा तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कम होगा, तो दैट मीन्स इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस, मोलेकुल फोर्स लिए इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस विल बी वेरी शॉर्ट। इंटर मोलेकुलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, इंटर मोलेकुलर फोर्स ज़्यादा होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होता है, इसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम भी हो सकता है, मोलेकुल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या क्या हो सकता है? पार्टिकल हो सकता है एटम भी हो सकता है, मोलेकुल भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है। इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होता है? एटम, मोलेकुल, आयन होता है। और ये जो है अपने मीन पाथ पर क्या करता है, मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करता है, ठीक है। एटम, मोलेकुल, आयन्स तो वह इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, दे कैन ऑसिलेट या हाँ दे कैन ऑसिलेट ऑसिलेट दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजिशन, अबाउट देयर मीन पोजिशन, अपने मीन पोजिशन के अराउंड ये क्या होता है, ऑसिलेट करता है। तो ये सब पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि सॉलिड जो है डिफिनिट मास, वॉल्यूम और शेप होता है। इंटरमोलेकुलर फोर्स, अगर मोलेकुल का बना हुआ है तो इंटरमोलेकुलर फोर्स बोलेंगे, एटम का बना हुआ है तो इंटर एटोमिक फोर्स बोलेंगे, आयन का बनाया है तो इंटर आयनिक फोर्स बोलेंगे, विल बी वेरी हाई। इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस विल बी वेरी शॉर्ट, जब फोर्स ज़्यादा है तो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कम हो जाता है, यानी इंटरमोलेकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, वेरी शॉर्ट होता है। और ये जो है जब डिस्टेंस है ही नहीं इसके बीच, ये क्या होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा एंड रिजिड होता है, एंड रिजिड हार्ड होगा, रिजिड होगा, इनकम्प्रेसिबल होगा, ये सब क्या है, इनकम्प्रेसिबल मतलब हार्ड होगा और रिजिड होता है, फिक्स होता है इसका पोजीशन। तो सॉलिड के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, डिफिनिट मास, वॉल्यूम, शेप, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो है इसका एटम, मोलेकुल, आयन से बना हुआ है, ये जो है अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या होता है, मीन पोजीशन पर ऑसिलेट करता है, दे कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। तो ये सब पॉइंट सॉलिड का याद रखना पड़ता है, ठीक है। अब सॉलिड से जैसे हम लोग लिक्विड के तरफ बढ़ेंगे, सॉलिड से लिक्विड के तरफ बढ़ेंगे तो लिक्विड में एटम, मोलेकुल, आयन के बीच का डिस्टेंस थोड़ा लार्ज हो जाता है, लार्ज हो गया तो इसका क्या होगा, दे हैव
डिफिनिट मास तो होगा, डिफिनिट मास वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप। इसका शेप चेंज हो जाता है। वाटर को अगर हम लोग ग्लास में लेते हैं, ग्लास से किसी और चीज़ में डाल देंगे तो उसका शेप गेन कर लेता है। तो दे हैव डिफिनिट मास एंड वॉल्यूम बट नॉट डिफिनिट शेप, इसका डिफिनिट शेप नहीं होता है। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा? इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस विल बी इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस विल बी लार्जर, विल बी लार्जर देन सॉलिड। इसके बीच मोलिकुलर के मोलिकुल के बीच का डिस्टेंस सॉलिड से क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो सॉलिड से ज़्यादा है यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी लेस देन सॉलिड। इंटर मोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स विल बी लेस देन सॉलिड। सॉलिड के रेस्पेक्ट में क्या होगा? इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स कम होगा। अब देखिए गैस के स्टेट में, गैसियस स्टेट में क्या होता है? दे हैव नॉट डिफिनिट दे हैव नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। दे हैव नॉट डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम। इसका शेप और वॉल्यूम कुछ फिक्स नहीं है। 2 ml अगर गैस छोड़ देते हैं तो पूरा क्लासरूम गैस का, या तो उसमें गंध होगा तो गंध फैल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि गैस का कोई शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं है। 2 ml पूरा क्लासरूम पूरा सराउंडिंग में फैल जाता है, वॉल्यूम उसका फिक्स नहीं होगा, शेप भी फिक्स नहीं है। जिसमें गैस को जिस सिलेंडर में रखना है रख दीजिए, बोतल में रखना है रख दीजिए। तो इस तरह से इसका कोई डिफिनिट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग इसको एनर्जी से रिलेट करते हैं जो कि आगे काम देगा हर चीज़ में। तो ये जानिए कि सॉलिड को हीट करेंगे तो बनेगा लिक्विड, लिक्विड को हीट करते हैं तब बन जाता है गैस। इसे एग्जांपल में ले लेते हैं आइस, आइस को हीट करते हैं तो बन जाता है वाटर, वाटर को हीट करते हैं ये बन जाता है वाटर वेपर। इसका मतलब क्या हुआ? एनर्जी ऑफ गैस ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ लिक्विड एंड एनर्जी ऑफ सॉलिड। सॉलिड का एनर्जी जो है सबसे कम होता है और सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक क्या है? गैस है। तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे जो जितना ज़्यादा एनर्जेटिक रहेगा वो उतना ही इधर उछल कूद मचाए रहता है। जैसे बच्चा सब, जैसे आप लोग के एज में जो रहता है 16-18 के एज में, इतना एनर्जी रहता है वो एनर्जी का अपना यूज करता है। तो पढ़ करके IIT मेडिकल, 2-3 साल के बाद IAS,
कम्पीट कर जा रहा है, लेकिन अगर वही एनर्जी का वो दूसरे जगह भी इस्तेमाल करता है तो देखते हैं जो नहीं दूसरा डायरेक्शन वाला चला जाता है, क्रिकेट बैट बल्ला निकाला, बैट निकाला बॉल निकाला निकल गया फील्ड पर, चूँकि उसमें उतना एनर्जी है, तो जिसमें जितना ज़्यादा एनर्जी होगा वो इतना ही रेंडम कंडीशन में रहेगा। तो गैसियस स्टेट में गैस क्या होता है, रेंडमली मूव करता है, तो गैसियस स्टेट में हम लोग इसको पढ़ेंगे बाद में एंट्रोपी के टर्म में थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन अभी जानिए गैस का एनर्जी लिक्विड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा होता है और लिक्विड का एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होता है। ये मत समझ लीजिएगा सॉलिड है ठोस है मजबूत है एनर्जी ज़्यादा है, नहीं, एनर्जी जो पढ़ेंगे हम लोग एनर्जी सॉलिड का गैस का लिक्विड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है और लिक्विड का सॉलिड के रेस्पेक्ट में ज़्यादा है। तो अभी बेसिक में तत्काल यही पढ़ना है सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड क्या था, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस वेरी शॉर्ट होता है क्योंकि इसका इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है, अपने एक्सिस पर ये स्पिन करता है, इधर उधर मूव नहीं कर पाता है, चूँकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस एटॉमिक इंटर मोलिकुलर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है, वेरी हाई होता है इसका, तो इसीलिए एटम इधर से फ्लो नहीं करता। लेकिन ये दोनों के बीच जब डिस्टेंस बढ़ गया तो यानी इंटर मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट गया, इसीलिए ये इधर फ्लो कर जाएगा। और गैस में तो रेंडमली मूव करता है, गैस में तो यहाँ पर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वंडरवाल्स फोर्स लगता है गैस मोलेकुल के बीच, वीक फोर्स है, तो गैस मोलेकुल रेंडमली इधर से उधर मूव करता है, लेकिन इनर्जेटिक सबसे ज़्यादा इनर्जेटिक गैसियस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस रहता है। ठीक है, तो ये हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिर हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, उसका सबका डिफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, इसको केयरफुली देखते रहिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा बाद में। ठीक है, इसको देखना है, थैंक यू। अब हम लोग देखेंगे फेज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टेट मैटर, स्टेट ऑफ मैटर फेज कैसे चेंज करता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड में, सॉलिड से गैस में, इसके लिए टर्म क्या यूज करते हैं वही लिख रहे हैं। तो फॉलोइंग टर्म्स आर एसोसिएटेड विद द चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। जैसे सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग प्रोसेस, मेल्ट करना मेल्टिंग प्रोसेस होता है, लिक्विड से गैस बनने के प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन प्रोसेस। ये गैसियस स्टेट में चला गया। इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग, आइस ले लीजिए, इसका एग्जांपल ले लीजिए वाटर, इसका एग्जांपल ले लीजिए वाटर वेपर। अब देखिए सॉलिड से लिक्विड बनने वाले, लिक्विड बनने के प्रोसेस को कहते हैं मेल्टिंग, लिक्विड से गैस बनने के लिए बोलते हैं वेपोराइजेशन, और गैस से अगर लिक्विड बनेगा तो ये इसको कहते हैं हम लोग कंडेंसेशन, कंडेंसेशन प्रोसेस, और लिक्विड से जब सॉलिड बनेगा तो इसको बोलते हैं हम लोग फ्रीजिंग प्रोसेस, इसको बोलते हैं फ्रीजिंग प्रोसेस। लेकिन सॉलिड से डायरेक्ट गैस अगर बने तो इसको बोलते हैं हम लोग सबलिमेशन, सबलिमेशन प्रोसेस, और गैस से डायरेक्ट अगर सॉलिड बन जाए तब इसको या तो बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन
सॉलिडिफिकेशन या इसी को कंडेंसेशन भी बोल देते हैं, कंडेंसेशन। देखते हैं बारिश जब होता है तो वो तो वाटर वेपोराइज हुआ, कंडेंस होकर के कभी कभी सॉलिड आइस के रूप में गिरने लगता है, तो वो कंडेंसेशन प्रोसेस ही होता है। ये था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हो गया कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो नेक्स्ट वीडियो में बनाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। थैंक यू, गुड मॉर्निंग। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। देखते हैं हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में हम लोग चार्ट लिख लिए थे, क्या क्या था कि केमिकल क्लासिफिकेशन में मिक्सचर और प्योर कंपाउंड में हम लोग डिवाइड करते थे। तो हम लोग एक एक करके डिफाइन करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मिक्सचर। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर और सब्सटेंस। जो बोलना है बोलिए। तो फर्स्ट इसमें टर्म आएगा मिक्सचर। टर्म आता है मिक्सचर, व्हेन टू और मोर देन two substances either element or compound, either element or compound or both, or both mix with each other, mix with each other in any proportion is called mixer। क्या कहता है, जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस, वो सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, या दोनों भी हो सकता है, कंपाउंड और एलिमेंट को भी मिक्स करते हैं विच इज अदर, तो किसी भी प्रोपोर्शन में, प्रोपोर्शन अगर फिक्स नहीं है तब वो कहलाता है मिक्सचर। वही कह रहा है व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस आइदर एलिमेंट और कंपाउंड और बोथ मिक्स विथ ईच अदर इन एनी प्रोपोर्शन इज कॉल्ड मिक्सचर। उसको तब बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। एनी प्रोपोर्शन कुछ भी मिला दिए, 10 ग्राम ये 1000 ग्राम वो, तो वैसे में जो मिलता है कोई इक्वल प्रोपोर्शन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं हम लोग मिक्सचर। मिक्सचर का दो पार्ट होता है, टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ेंगे हम लोग। फर्स्ट पढ़ेंगे होमोजीनियस मिक्सचर।
होमो जीनियस मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर, इन होमोजीनियस मिक्सर, इन होमो जीनियस मिक्सर कंपोनेंट आर मिक्स्ड, कंपोनेंट आर मिक्स्ड मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, मिक्स्ड यूनिफॉर्मली टू माइक्रोस्कोपिक लेवल, टू माइक्रोस्कोपिक लेवल, टू माइक्रोस्कोपिक लेवल। देखिए होमोजीनियस मिक्सर किसको कहते हैं, इन होमोजीनियस मिक्सर कंपोनेंट आर मिक्स यूनिफॉर्मली टू माइक्रोस्कोपिक लेवल। कंपोनेंट जैसे दो या दो से अधिक कंपोनेंट को मिक्स करेंगे वो यूनिफॉर्मली होना चाहिए माइक्रोस्कोपिक लेवल। माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्या मतलब है, नेक्ड आई से या माइक्रोस्कोप से उसका मिला हुआ सब्सटेंस ना दिखे। क्या लिख देंगे, द कंपोनेंट कैन नॉट सीन बाय नेक्ड आई और विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप या नेक्ड आई से उसका कंपोनेंट क्या क्या मिलाए हैं वो अगर नहीं दिख रहा है तभी हम उसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सर। तो होमोजीनियस मिक्सर कुछ नहीं है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट लेंगे उसको इस तरह से मिक्स करेंगे कि उसका कण जो है, उसका पार्टिकल जो है नेक्ड आई से भी ना पता चले कि क्या है। जैसे मान लीजिए 22 कैरेट गोल्ड है, तो 22 कैरेट गोल्ड में 2 कैरेट क्या होता है, इम्प्योरिटी होता है। तो पता थोड़ी चलता है कि कहाँ पर कॉपर है, कहाँ पर सिल्वर है और कहाँ पर गोल्ड है, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो वो हुआ होमोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल। जैसे गोल्ड है, कोई भी आयरन स्टील लेते हैं हम लोग, स्टील बनाने में बहुत तरह का कंपोनेंट होता है, आयरन होता है, कार्बन होता है, मैंगनीज होता है, क्रोमियम होता है, मोलिब्डेनम होता है, बहुत तरह का कंपोनेंट मिलाता है। पता तो नहीं रहता है ना कौन एलिमेंट किस पोर्शन में है, वो होमोजेनाइज रहता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग होमोजीनियस मिक्सर। ये जो रहता है एक सिंगल फेज में हो जाता है, इट कंटेन्स इन ए सिंगल फेज, इट कंटेन्स इन ए सिंगल फेज। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लेते हैं जैसे कोई एलॉय है, स्टील बोलते हैं तो स्टील क्या है, एलॉय है, एलॉय कोई भी एलॉय लें, ब्रास, ब्रॉन्ज, गन मेटल कोई भी लें तो वो एलॉय आ जाएगा इसके अंदर, एलॉय के अंदर आ जाएगा ब्रास, 22 कैरेट गोल्ड, कैरेट गोल्ड, और हम लोग जो शुगर सॉल्यूशन या सॉल्ट सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन भी क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सर का एग्जांपल है। तो ये सब हम लोग जानेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सर हो गया होमोजीनियस मिक्सर ए नंबर में, इसका बी पढ़ेंगे हम लोग हेटरोजीनियस मिक्सर। ये आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोजीनियस मिक्सर, हेटरोजीनियस मिक्सर। हेटरोजीनियस मिक्सर किसको कहेंगे? ए मिक्सर इज नॉट मिक्सर इज नॉट नॉट यूनिफॉर्मली नॉट यूनिफॉर्म नॉट यूनिफॉर्म इट कैन हैव टू और मोर देन इट कैन हैव टू और मोर देन फेजेज। इसमें दो या दो से अधिक फेज होगा। द कंपोनेंट कैन बी सीन बाय नेक्ड आई और विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप विथ द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जिसे हम लोग मिला देते हैं सैंड को वाटर, सैंड प्लस वाटर। सैंड को वाटर में मिलाते हैं खुला आंख से दिखता है कि बालू नीचे बैठा हुआ है, सैंड नीचे बैठा हुआ है वाटर में, नहीं? सॉइल मिक्स्ड विथ सॉइल मिक्स्ड विथ सैंड। सॉइल को अगर सैंड के साथ मिक्स कर देते हैं तो ये सब क्या चीज़ का? हेट्रोजीनियस का एग्जांपल है, नहीं? तो हेट्रोजीनियस क्या हुआ? ए मिक्सर इज नॉट यूनिफॉर्म, वैसा मिक्सर जो यूनिफॉर्म ना हो। इट कैन हैव टू और मोर देन टू फेजेज, मोर देन टू फेजेज। इसमें दो या दो से अधिक फेज होगा, कोई लिक्विड फेज होगा, कोई सॉलिड फेज होगा। तो जो जिसमें रहेगा वो उस फेज में रहेगा। तो जैसे मान लीजिए कि सैंड है, सॉलिड फेज में रहेगा, वाटर है, लिक्विड फेज में रहेगा, सॉइल है और सैंड है, दोनों सॉलिड फेज में रहेगा। तो फेज चेंज कर सकता है इसमें, तो इसको बोलेंगे हम लोग, इसको ओपन आई से या नेक डाई से और माइक्रोस्कोप के हेल्प से इसको हम लोग इजीली देख सकते हैं। ये तो ओपन आई से ही दिख जाता है, आँख से देख लेते हैं कि बालू का कण कहाँ बैठा हुआ है, तो वो बहुत आसान होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एलवाय, एलवाय, एलवाय क्या है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिक्स करते हैं तो रिजल्टिंग लिक्विड, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट को लिक्विड फेज में करके मिक्स कर देते हैं, उसके बाद जब उसको सॉलिडिफाई करने के लिए छोड़ देते हैं, ठंडा करेंगे तो सॉलिड बनेगा, तो वो जो तैयार होता है वो एलवाय तैयार हो जाता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? व्हेन टू और मोर when two or more element elements are melted together
together and resulting liquid and resulting liquid resulting liquid is allowed to solidify the product obtained is called एलवाय। हम लोग जितना भी यूज करते हैं एलवाय ही यूज करते हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, बहुत चीज यूज करते हैं, तो वो सब मिक्स करके प्योर सब्सटेंस का बहुत कम सामान बनता है। मैक्सिमम जो है एलवाय का ही बनता है। एग्जांपल के रूप में जैसे लेते हैं ब्रास। ब्रास क्या है? ब्रास में कॉपर प्लस ज़ेडन प्रेजेंट, ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस एसएन प्रेजेंट, स्टील में आयरन है, क्रोमियम है, कार्बन है, मैग्नीज है, मोलिब्डेनम है, बहुत तरह का, वो अलग अलग स्टील में अलग अलग रहता है। तो ये रहता है गन मेटल में पहले भी पढ़ा है, गन मेटल कॉपर एसएन जेडन का मिक्सर है, कॉपर प्लस एसएन प्लस जेडन का ये मिक्सर है। तो ये क्या करता है, कॉपर और जेडन को पहले लिक्विड कंडीशन में करते हैं, फिर दोनों को मिक्स करके क्या करते हैं, सॉलिडिफाई कर देते हैं। तो जो जो प्राप्त होगा वो एलवाय प्राप्त होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो क्या होगा, एलवाय। वही कह रहा है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर मेल्टेड टुगेदर एंड रिजल्टिंग लिक्विड इज अलाउड टू सॉलिडिफाई द प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज कॉल्ड एलवाय। तो ये सब एलवाय है। आप अगर एलवाय में एक एलिमेंट मरकरी रहता है तब उसको बोलते हैं हम लोग अमलगम। जिसे अभी ये पॉइंट याद रखिएगा, हम लोग पहले भी आगे भी बहुत यूज है इसका, एन एलवाय कंटेनिंग one component is called amalgam, तब इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमलगम। अमलगम बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लीजिए, हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट ऑर्गेनिक में यूज करेंगे सोडियम HG। ये दोनों का, सोडियम और मरकरी का अगर एलवा है तो इसको बोलेंगे हम लोग सोडियम अमल गम। जिंक HG का है इसको बोलेंगे जिंक अमल गम। यही बोलेंगे। तो ये हो गया आपका LY। तो ये अब हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस का पार्ट एलिमेंट। क्या पढ़ेंगे? प्योर सब्सटेंस था
तो प्योर सब्सटेंस में एक एलिमेंट भी था। एलिमेंट किसको कहते हैं? एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस दैट कैन बी, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोजेड, दैट कैन नॉट बी डिकम्पोजेड, डिकम्पोजेड इंटू सिंपलर सब्सटेंस, सब्सटेंस बाय केमिकल, फिजिकल और केमिकल चेंज, बाय केमिकल चेंज। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का पार्ट है, तो एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोजेज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल चेंज। केमिकल चेंज द्वारा जब सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं तो वो सिंपलर सब्सटेंस क्या बोलेंगे? एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज, इसको डिकम्पोज नहीं किया जा सकता इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उससे सिंपल सब्सटेंस में केमिकल चेंज द्वारा भी अगर चेंज डिकम्पोज नहीं कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग एलिमेंट। तो एलिमेंट का क्या एग्जाम्पल है? एग्जाम्पल लेंगे हम लोग तो ऑक्सीजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, गोल्ड, निकेल, ये सब जो है एलिमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग एलिमेंट का फिर टाइप पढ़ेंगे। तो जैसे ये है मेरा, क्या है ये दोनों? अब और मेटलॉइड का भी एग्जांपल कुछ ले लीजिए। मेटलॉइड जैसे बोरॉन है, सिल्कन है, जर्मेनियम है, ये चीज़ें, तो ये सब आपका नॉन मेटल है। यहाँ से यहाँ तक मेटल है, ये सब क्या है? सेमी मेटल है, नॉन मेटल, मेटल, ये सेमी मेटल है या मेटलॉइड बोलेंगे, सेमी मेटल है। तो हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। तो ये हो गया एलिमेंट। एलिमेंट आर प्योर सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल चेंज इज कॉल्ड एलिमेंट। तो ये हो गया आपका एलिमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट, टाइप्स ऑफ एलिमेंट। देखिए टाइप्स ऑफ एन एलिमेंट, एन एलिमेंट। तो पहला हम लोग पढ़े थे मेटल, मेटल पढ़ेंगे सबसे फर्स्ट। मेटल क्या है? मेटल आर दोज एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच पॉसेसेस, विच पॉसेसेस फॉलोइंग कैरेक्टर या फॉलोइंग, फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, जो निम्नलिखित प्रॉपर्टी को गेन करता है उसी को हम लोग मेटल कहेंगे। मेटल आर दोस एलिमेंट विच पॉसेसेस फॉलोइंग प्रॉपर्टी,
तो प्रॉपर्टी इसका क्या होता है, पहला लिखिए दे हैव या दे आर गुड कंडक्टर ऑफ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल जो होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का गुड कंडक्टर होता है। दूसरा दे फॉर बेसिक ऑक्साइड। इसका जो ऑक्साइड बनता है वो बेसिक नेचर का होता है। दे आर मेलेबल मेलेबल एंड डक्टाइल। ये मेलेबल और डक्टाइल होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर वेरी हाई। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, उच्च होता है, हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये जनरली क्या रहता है, दे आर जनरली सॉलिड। They are generally solid at ordinary temperature. Exception भी है। Exception में क्या है, Mercury जो है ऑर्डनरी टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में रहता है। मर्करी इज लिक्विड मेटल, HG इज लिक्विड मेटल। एग्जाम्पल इसका क्या क्या सब लेंगे, बहुत सब तो यही है, सोडियम लीजिए, कैल्शियम लीजिए, अल्मोनियम लीजिए, कॉपर लीजिए, सिल्वर लीजिए, गोल्ड लीजिए, जिंक लीजिए, ये सब क्या है, मेटल। तो ये हो गया मेटल, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन मेटल। सेकेंड पढ़ेंगे नॉन मेटल। किसको कहेंगे, जो मेटल वाला प्रॉपर्टी नहीं रखता उसको क्या कहेंगे, नॉन मेटल। एलिमेंट विच डू नॉट शो द मेटालिक प्रॉपर्टी डू नॉट शो द मेटालिक प्रॉपर्टी आर कॉल्ड नॉन मेटल। जो मेटालिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा वो नॉन मेटालिक होगा, नॉन मेटल। इसका भी लेकिन प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी जिसका क्या होता है,
प्रॉपर्टीज होता है ये ब्रिट लिटरेचर का होता है, ब्रिट लिटरेचर का होता है, हैविंग लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये नॉन कंडक्टर होगा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। दे फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है वो एसिडिक नहीं होता, वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। तो ये हुआ। अब हम लोग पढ़ लेते हैं एग्जाम्पल क्या क्या लेंगे। एग्जाम्पल में हम लोग लेंगे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, यही सब एक्सेट्रा। सॉलिड फॉर्म में कौन कौन नॉन मेटल होता है, सॉलिड नॉन मेटल कौन कौन है ये जानना है। सॉलिड नॉन मेटल होता है कार्बन होता है, फास्फोरस होता है, सल्फर होता है, सेलेनियम होता है एंड आयोडीन होता है। ये सब है नॉन मेटल लेकिन रहेगा सॉलिड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में कौन होता है, लिक्विड नॉन मेटल है ब्रोमीन। लिक्विड नॉन मेटल और गैस फॉर्म में तो रहता ही है। अदर नॉन मेटल आर इन गैसेस पे एंड अदर्स नॉन मेटल आर इन गैसियस फेज में अदर एलिमेंट होता है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे नॉन मेटल को, एलिमेंट विच डू नॉट शो मेटालिक प्रॉपर्टी, वैसा एलिमेंट जो मेटालिक प्रॉपर्टी नहीं शो कर रहा है, यानी क्या है वो नॉन मेटल है। प्रॉपर्टी आर कॉल्ड नॉन मेटल। प्रॉपर्टीज में ये ब्रिट लिटरेचर का होता है, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका, नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। ये एग्जांपल हुआ सॉलिड नॉन मेटल, लिक्विड नॉन मेटल, अदर जो है गैसियस, ये तीनों फेज में रहता है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटलॉइड, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एलिमेंट का ही पार्ट, अब पढ़ेंगे मेटलॉइड, सेमी मेटल जिसको हम लोग बोलते हैं। मेटलॉइड, सेमी मेटल, दोज एलिमेंट विच हैव which have both metallic and non-metallic nature, metallic and
non-metallic nature are called semi-metal. वैसा एलिमेंट जिसका मेटालिक और नॉन मेटालिक दोनों प्रॉपर्टी हो उसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेटल. दो एलिमेंट विच है बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक नेचर आर कॉल्ड सेमी मेटल. तो सेमी मेटल का एग्जांपल क्या सब है? एग्जांपल है बोरॉन है सेमी मेटल, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेरेलियम है, इट इज ये सब जो है मेटलॉइड सेमी मेटल है. वैसा एलिमेंट जो बोथ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज शो करता है उसको बोलते हैं हम लोग मेटलॉइड और सेमी मेटल. अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पार्ट प्योर एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का कंपाउंड. हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड. अब देखिए कंपाउंड किसको कहेंगे हम लोग? कंपाउंड आर आल्सो प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड आर आल्सो प्योर सब्सटेंस. हम लोग प्योर सब्सटेंस का पार्ट पढ़ रहे. कंपाउंड आर आल्सो प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और more different elements in fixed proportion by mass. क्या कहता है? कंपाउंड आर आल्सो प्योर सब्सटेंस. कंपाउंड हम लोग पढ़ ही रहे प्योर सब्सटेंस का पार्ट. तो कंपाउंड आर आल्सो प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, दो या दो से अधिक एलिमेंट का फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या है कंपोज किया हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड. The compound containing more than example में जैसे लेते हैं पहले एग्जाम्पल पढ़ लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट. इसमें कैल्शियम कार्बन और तीन ऑक्सीजन का कंपोज्ड है. अल्मीनियम सल्फेट इसमें अल्मीनियम सल्फर और ऑक्सीजन का कंपोज्ड है. तो ये सब है कंपाउंड. ठीक है, तो जिसे मैक्सिमम तीन ज़्यादातर मिलता है तीन एलिमेंट, चार एलिमेंट वाला कंपाउंड रेयर बहुत कम बनता है. तो देखिए कंपाउंड containing
मोर देन फोर एलिमेंट्स आर रेयर। ये कंपाउंड चार एलिमेंट वाला कंपाउंड रेयर रहता है, मैक्सिमम तीन दो वाला ज़्यादा रहता है। ठीक है, तीन तरह का एलिमेंट मिक्स रहेगा, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। अब कंपाउंड का पार्ट जो है फिर हम लोग पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो अब चलते रहेगा केमिस्ट्री में। तो कंपाउंड का पार्ट क्या सब था? कंपाउंड का दो पार्ट था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए तो अलग ब्रांच ही हो गया, इनऑर्गेनिक के लिए अलग ब्रांच हो गया। तो ये सब हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये बेसिक था, इसके बेस पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो कंपाउंड क्या हुआ? कंपाउंड आर प्योर सब्सटेंस दैट आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इन फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। एग्जांपल में ले लेंगे, कुछ भी ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम सल्फेट, सब है कंपाउंड। तो कंपाउंड कंटेनिंग मोर देन फोर एटम आर रेयर, बहुत कम होता है एलिमेंट जो कि फोर एलिमेंट का कंपाउंड बनाता है, फोर एलिमेंट का कंपाउंड रहता है। तो इसको देखिएगा केयरफुल्ली, अभी तो न्यूमेरिकल आया नहीं, न्यूमेरिकल जब आएगा तो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल तक का, फर्स्ट लेवल में बेसिक न्यूमेरिकल जो टॉपिक से रिलेटेड है वो देंगे, फिर सेकंड लेवल में थोड़ा उससे स्टैंडर्ड, थर्ड लेवल सिर्फ IIT और NEET के लिए होगा। तो उसको देखेंगे आप लोग। थैंक यू।